Hello students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start a new chapter, Gulliver's Travels. Here, when a person tells story of his life in his own words, it is called autobiography. जब कोई पर्सन अपनी स्टोरी बताता है यानी अपनी आत्मकथा बताता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. जब अपने बारे में वो कुछ लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. गुलिवर जो सेलर था वो एक दिन एक जायंट्स के लैंड में फंस गया. जायंट मतलब बहुत बड़ा. देखो ये बहुत बड़ा आदमी है ना, ये जायंट है. वो इसकी लैंड में फंस गया था गुलिवर. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. और इस स्टोरी में, इस लेसन में वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहा है वो किस तरह से यहाँ पे फंस गया था. On the 16th of June 1730, we discovered land. गुलिवर बता रहा है कि इस तारीख को यानी कि 16th June 1730 में हमने एक लैंड डिस्कवर की थी, खोज की थी एक लैंड की. कैप्टन सैंड अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर. हमारे जो कैप्टन था उन्होंने डजन डजन मतलब 12 लोगों को वेसल दिया था. यानी कि वेसल क्या होता है, कोई बर्तन. और कहा था कि पानी भर के आओ. इफ एनी कुड बी फाउंड. उन्होंने क्या किया था कि एक बर्तन दिए थे और कहा था कि वहां पे जाके, लैंड पे जाकर पानी भर के आओ. When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitants. जब हम उस लैंड पे गए तो क्या देखा कि वहां पे कोई रिवर नहीं थी, कोई नदी नहीं थी, कोई झरना नहीं था, है ना. और लोग भी नहीं थे. इनहैबिटेंट्स मतलब वहां पे रहने वाले लोग. वहां कोई लोग भी नहीं थे, कोई नदी नहीं, कोई झरना कुछ नहीं था. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोर मतलब खोज करना यानी ढूंढने जाना. तो मैं वहां पर कुछ ये नदी या स्प्रिंग कुछ ढूंढने गया. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. जो कंट्री थी वो कैसी थी, बैरन. बैरन मतलब कि कैसी, बंजर. और रॉकी मतलब पहाड़ों वाली, पहाड़ होते हैं ना वैसे. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. और फिर मैं वापस लौटा क्रू के साथ, क्रू को ज्वाइन करने के लिए. क्रू क्या होता है आपने सुना होगा ना, क्रू ऑफ सेलर्स यानी जो सेलर्स का ग्रुप होता है उसे क्रू कहते हैं. ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट इन टू द शिप. तो जब मैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए वापस आया तो मैंने क्या देखा कि वो लोग बोट में चढ़ गए थे और अपनी जान बचाने के लिए वो शिप में बैठ गए थे, शिप की तरफ जा रहे थे बोट में बैठकर. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर. मैं उन तक पहुंचा, मतलब उन तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा आदमी देखा, ह्यूज क्रिएचर देखा. वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. वो सी में वॉक कर रहा था, जा रहा था सी के अंदर, उनका पीछा कर रहा था. जितनी तेज हो सके वो उनके पीछे पीछे भाग रहा था उनको पकड़ने के लिए. द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. जो ओशन का पानी था वो उसके कहाँ तक आ रहा था, घुटनों तक आ रहा था. देखो आप इसमें देख सकते हैं कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट में सेल कर रहे हैं शिप की तरफ जाने के लिए. और ये जो मॉन्स्टर है, ये जो मॉन्स्टर बड़ा आदमी दानव जैसा, उसके कहां तक पानी आ रहा था, सी में घुटनों तक पानी आ रहा था. द वॉटर ऑफ द ओशन रीच ओनली टिल हिज नीज. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. वो जो मॉन्स्टर था वो हालांकि बोट को पकड़ नहीं पाया क्योंकि बोट उससे ज्यादा स्पीड में थी. I turned back quickly and climbed up the steep hill with fields of barley on either side. और मैंने क्या किया, मैं वहां से तुरंत भागा. और क्या किया मैंने, स्टीप हिल पे क्लाइंब कर दिया. जो कहां पर थी, जिसके हिल के आसपास बारले था. एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet. और वहां पर किसकी खेती की हुई थी, कॉर्न की. कॉर्न मतलब मक्का, मकई. उस कहां तक थी, 40 feet तक ऊंची ऊंची खेती की हुई थी मकई की.
देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, वहां पर एक फील्ड से दूसरी फील्ड जाने तक जाने के लिए बीच में क्या था, फेंस। फेंस क्यों लगाते हैं, तार। फेंस मतलब तार क्यों लगाते हैं, ताकि हम एक फील्ड को दूसरी फील्ड से अलग कर सके, तो वहां पर फेंस लगी हुई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई। मैं जो वहां पर स्टेप्स थी, वहां पर मैं उसको चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कितनी ऊंची थी, 6 feet हाई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हैच व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहैबिटेंट्स इन नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। तब मैं क्या कर रहा था, मैं कोई कोना ढूंढ रहा था अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन तब मैंने क्या देखा कि वहां का ही एक रहवासी, यानी इनहैबिटेंट्स मतलब वहां पे रहने वाला लोग, रहने वाले लोग, वहां का एक रहवासी क्या क्या था, नेक्स्ट फील्ड में जा रहा था फेंस को क्रॉस करके, वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, यानी कि फेंस के करीब आकर वो फील्ड में जा रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, वो उसी सेम साइज का था जैसा कि वो बोट के पीछे जो दौड़ा था इंसान, क्रिएचर, उसके जैसा ही सेम साइज का वो था। आई वॉज स्ट्रक विथ एटमोस्फियर, और मुझे एक जोरदार का धक्का लगा, मैं डर गया एकदम, एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देखकर कि इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है, और मैं अपने आप को छुपाने के लिए भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, उसकी आवाज कैसे थी, बहुत लाउड थी, जैसे कि किसी ने ट्रम्पेट बजाया हो उसके जैसी आवाज थी। इट साउंडेड लाइक थंडर, ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो उसकी आवाज से। 7 monsters लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न, उसने जब आवाज जो उसने की थी, उसने दूसरे लोगों को बुलाने के लिए की थी, तो इसलिए वहां पर 7 monsters उसके जैसे ही फील्ड में आ रहे थे, जिन्हें क्या करना था, मक्का की जो खेती थी उसे रेप करना था, काटना था। सी ये कैसा है मॉन्स्टर, देखा आपने कितना बड़ा मॉन्स्टर है ये, और ये गुलीवर इतना छोटा। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, देखो इसने एक रीपिंग हुक ऐसा ये कुछ लाया हुआ है, हा ना, विच वॉज वेरी बिग, जो बहुत ही बड़ा था। वेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, तो उसमें से एक रीपर जो था वो मेरे नजदीक आ पहुंचा, तब मैंने बहुत जोरदार चिल्लाया, जितना जोर से मैं चिल्ला सकता था उतना जोर से चिल्लाया। जब हम डर जाते हैं तो हम भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं ना। द क्रिएचर स्टॉप ड्रिपिंग, तब मेरी आवाज सुनकर वो जो क्रिएचर था उसने जो कटाई थी वो करना बंद कर दी। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, उसने मुझे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अपनी आंखों के आगे ले आया। देखो इसने मुट्ठी में पकड़ा है और उसने अपने आंखों के आगे उसे देखने के लिए लाया है। 60 feet अबाउट द ग्राउंड, कम से कम उसकी वो कितनी ऊंचाई पे था, ग्राउंड से 60 feet की ऊंचाई पे था। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, उसने मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता से देखा। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, देखो ब्लू कर रहा है वो उसके हेयर, ब्लू मतलब फूक मारना, फूक मार के उसने उसके बाल उसके मुंह से हटाए ताकि वो उसे अच्छे से देख सके कि ये कौन है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस मी ऑन द ग्राउंड, उसने अपने दूसरे साथीदारों अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे आराम से नीचे ग्राउंड पे रखा। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो सभी लोग भी ग्राउंड पे बैठ गए मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए। आई वॉक्ड slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers, मैं धीरे धीरे आगे पीछे होने लगा और मैंने अपनी हैट को उतार दिया और मैंने उन्हें बो किया, यानी कि सलाम करते हैं ना जैसे नमस्ते करते हैं या सिर झुकाते हैं, वैसे उसने फार्मर्स को भी बो किया। I tried to speak to them loudly in several languages, मैंने उनके साथ जोर जोर से several लैंग्वेज यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer
हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। हर बार जब वो बात करने की फार्मर से कोशिश कर रहा था तो उन्होंने क्या किया, उसे ऊपर अपने तरफ लिया और अपना कान उसके बिल्कुल पास में लाया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसकी बात, गुलिवर की बात, वो फार्मर समझ नहीं पा रहे थे। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो उस फार्मर ने क्या किया, वो मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे डाइनिंग टेबल पे रखा। और वो डाइनिंग टेबल कितना ऊंचा था, 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर, वो 30 feet ऊंचा था डाइनिंग टेबल उनका। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायामीटर। तब वो जब घर पहुंचा फार्मर, तो उसकी वाइफ उसके लिए डिनर लेके आई, और वो डिनर, वो डिश जो लेके आई, वो कितनी फीट उसकी डायामीटर थी, 10 feet उसकी डायामीटर थी। यानी कि जो हम सर्कल बनाते हैं और बीच का डायामीटर होता है, वो 10 feet का था। यानी कि सोचो कि कितना बड़ा उसका उसका बाउल या उसकी डिश होगी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्पल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फार्मर की वाइफ ने क्या किया, ब्रेड के टुकड़े करके उसने मेरे तरफ रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। जब मैं उन क्रम्पल पीसेस को खा रहा था, तब मुझे क्या सुनाई दिया, कोई आवाज सुनाई दी। इट वॉज द परिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। और वो आवाज किसकी थी, कैट की थी, जो 10 times बड़ी थी एक ऑक्स से, इतनी बड़ी वो कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ उसे स्ट्रोक कर रही थी, स्ट्रोकिंग मीन्स उसे मुझसे दूर हटा रही थी, और हाथ फेरना होता है ना, हाथ फेर के मुझसे दूर हटा रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी। उसके बाद फार्मर का जो 1-year-old सन था, वो आया, और वो किसके हाथों में था, एक दूसरी औरत के हाथों में था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैड इन टू हिज माउथ। मुझे देखकर उस फार्मर के बच्चे ने, जो 1 साल का बच्चा था, उसने क्या किया, मुझे ग्रैब कर दिया, ग्रैब मतलब पकड़ लिया, और मुझे अपने मुंह के नजदीक लेके गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से उसने, फार्मर के 1-year-old ने उसे पकड़ा है और उसके मुंह के नजदीक वो लेके गया, है ना। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैड इन टू इट्स माउथ। I shouted so loudly that the baby dropped me. मैंने इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बेबी ने मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरे तो शायद मेरे तो गर्दन ही टूट जाती कितना ऊंचे से नीचे गिर के, पर वो जो उसकी मम्मी थी, वो लेडी थी, उसने मुझे अपने एप्रन में ले लिया। उसने क्या किया, एप्रन उसके नीचे रख दिया और वो सीधे उसके एप्रन में गुलिवर जाके गिरा। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। उसके बाद क्या किया उसने, मुझे अपने बेड पे लेटाया और एक क्लीन वाइट हैंडकरचीफ से मुझे उसने कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं सो गया, क्योंकि वो इतना डरा हुआ और थका हुआ था कि वो सो गया। देखो उसके कैसे बेड पे सो रहा है, और उसने व्हाइट हैंडकरचीफ से, यहाँ पर तो येलो दिख रहा है, लेकिन उसने कहा है कि वो व्हाइट हैंडकरचीफ से उसे उसने कवर किया। और सब सो के वो क्या, किसके बारे में सोच रहा था, वो अपने घर, अपने बीवी और अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पर हमारी गुलिवर की स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। थैंक यू।